Cause I'm working on my energy. Cleaning up, I'm taking care of all myself and me. Drinking coffee, take a sip, they say I'm sparkling. Manifest, I write it down, you know it's happening. So finally वो मौसम आ ही गया जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है, वो ग्रीनरी, वो वाटरफॉल और महाराष्ट्र की पहली बारिश। सो हे गाइज, व्हाट्स अप एंड वेलकम टू माई चैनल। माई नेम इज़ प्रीति यादव। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉनसून सीरीज। तो चलिए जानते हैं कि आना कैसे है। तो सबसे पहले आप जहाँ पर भी रहते हो वहाँ से आपको आना है CSMT, और CSMT से मैंने ट्रेन बुक की है देवागिरी एक्सप्रेस, और ट्रेन नंबर है 17057। मैंने स्लीपर प्रेफर किया है और ये मॉर्निंग में 4:30 को औरंगाबाद ड्रॉप कर देगी। फाइनली वी हैव रीच औरंगाबाद। ऑल्दो 4:30 का टाइमिंग थोड़ा सा ऑड है, बट मुंबई से यही लास्ट ट्रेन है जो हमें औरंगाबाद ड्रॉप करती है। इफ़ आपको टाइम सूट नहीं हो रहा है ना, तो आप बस भी प्रेफर कर सकते हो जो आपको मॉर्निंग 7 or 8 o'clock को ड्रॉप कर देगी। वेल, अभी तो हम फिलहाल जाएंगे वेटिंग में और 1 घंटा इंतज़ार करेंगे, उसके बाद जाएंगे हम होटल की तरफ। और आपको मैं वेटिंग रूम भी दिखा देती हूँ। अगर आपका प्लान सिर्फ 1 दिन के टूर का है तो आप वेटिंग रूम में रुक के रेडी हो जाना। सुबह हो गया है और हम अपने फर्स्ट लोकेशन की तरफ निकल पड़े हैं, और आपको शाम को मैं अपना होटल दिखाऊंगी। तो हम आ गए हमारे फर्स्ट प्लेस पे, दैट इज बीबी का मकबरा, और ये स्टेशन से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। एंड बेस्ट वे इज़ टू कम बाय ऑटो, बिकॉज यहाँ तक कोई बस नहीं आती है। सो मेक श्योर आपको ऑटो वाले अंकल से बार्गेनिंग करना पड़ेगा। हमने पे किया ₹50, देवर आस्किंग लाइक 80 rupees, सो वी कन्वेट टिल 50। अगर आप अपना बार्गेनिंग स्किल अच्छा रखते हो तो आप भी 50 तक कन्वे कर लोगे। तो हम पहुँच गए हैं बीबी का मकबरा। हमने एंट्री टिकट लिया है और एंट्री टिकट का फेयर है ₹25 फॉर एडल्ट। अगर आपके बच्चे 15 साल से छोटे हैं तो उनके लिए एंट्री फ्री है। और अब हम जा रहे हैं एंट्री लेने। टाइम फॉर फन फैक्ट नंबर 1। आपको पता है औरंगाबाद को सिटी ऑफ गेट्स भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर टोटल 52 गेट्स थे, बट आउट ऑफ विच एट प्रेजेंट ओनली 30 प्रेजेंट है। वेल, ये सारे गेट्स की अपनी एक हिस्ट्री है और अपनी एक कहानी है। वेल, हमने बीबी का मकबरा में एंट्री ले लिया है। सुबह आने के ये फायदे होंगे कि आपको क्राउड देखने मिलेगा ही नहीं। टाइम फॉर फन फैक्ट नंबर 2। बीबी का मकबरा या टॉम्ब ऑफ लेडी इसे कहते हैं। इसे आजम शाह ने अपनी मॉम के लिए बनाए थे, और इसे ताजमहल ऑफ डेक्कन भी कई बार कहा गया है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बीबी का मकबरा बनाने में कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ 7 lakh लगा, वेरस ताजमहल बनाने में 3.2 crores लगा। तो आप तो कंपेयर ही कर सकते हो कि मतलब कितना मेजर डिफरेंस देखने मिल रहा है। वेल, बीबी का मकबरा पूरी ताजमहल की तरह रिजेंबल कर रहा है। अब हम ये दरवाजे से एंट्री लेकर ऊपर की तरफ जाएंगे और बीबी के मकबरे को सामने से देखेंगे। वैसे मैंने ताजमहल रिसेंटली विजिट किया था, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। देखा जाए अगर बीबी के मकबरे को थोड़ा सा रिनोवेट कर दिया जाए और थोड़ा वेल मेंटेन रखा जाए तो डेफिनेटली ये भी बहुत ही ज़्यादा फेमस हो जाएगा और क्राउड काफ़ी आपको देखने मिलेगी। इट्स टाइम टू से बाय टू बीबी का मकबरा एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट लोकेशन। फाइनली वी हैव रीच बस स्टॉप। हमने बीबी के मकबरे से ऑटो लिया जिसका कॉस्ट हुआ ₹40, और आपको सेंट्रल बस स्टैंड आना है, और हमारी बस भी लग गई है। अब हम जा रहे बस लेते हैं एलोरा के लिए। सेंट्रल बस स्टैंड से एलोरा केव तक का फेयर ₹50 होगा, और ये 1 hour की जर्नी होगी। आप ये जर्नी बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करोगे क्योंकि सीनिक व्यू बहुत ही अच्छे हैं। So
एट प्रेजेंट हो रहा है 10 और हम बस से उतर गए और हम अपने फर्स्ट लोकेशन पे आ गए हैं, दैट इज़ घृणेश्वर टेम्पल, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हो। ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है और ये शिव जी का लास्ट ज्योतिर्लिंग है। और घृणेश्वर का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ कंपैशन, और यहाँ पर कहा जाता है जो भी भक्त आता है उसके शिव जी सारे दुख ले लेते हैं। वेल, अब हम जा रहे हैं दर्शन करने और ये मैंने फूल लिए जिसका कॉस्ट है ₹30, तो अंदर जाएंगे। हमारा दर्शन हो गया है। वेल, फ़ोन अंदर लेके जाना अलाउड नहीं है, तो मेक श्योर आप फ़ोन कहीं पर डिपॉजिट कर दो। एंड सेकेंडली, यहाँ पर एक ना मैंने अलग चीज़ देखी, लाइक ऑल मैन हैज़ टू रिमूव दैट शर्ट और वॉट एवर टी शर्ट दे आर वेयरिंग बिफोर एंटरिंग इन टू द श्राइन। सो मेक श्योर अगर आप आ रहे हो तो आपको कंपलसरी ये शर्ट निकालना, अगर आप नहीं निकालोगे तो आपसे कोई और निकालेंगे। तो दिस वॉज समथिंग वेरी न्यू फॉर मी एंड इट वॉज वेरी गुड एक्सपीरियंस। अब हम निकल पड़े हैं हमारे नेक्स्ट लोकेशन की तरफ, एलोरा केव, और ये घृणेश्वर टेम्पल से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। गए हैं हमारे सेकेंड स्पॉट पे जो वर्ल्ड फेमस है, दैट इज एलोरा केव। वेल, हम बचपन में तो स्कूल में पढ़ा करते थे अजंता केव और एलोरा केव के बारे में, बट मैं आज सामने से विटनेस करने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे कमेंट में बहुत सारे लोगों ने कहा था कि आप मेक श्योर एक दिन औरंगाबाद का बनाओ, सो वाई नॉट औरंगाबाद। तो हम आ गए हैं एलोरा केव में। एलोरा केव में एंट्री के लिए आपको ₹40 की टिकट लेनी होगी, जो आपको कूपन प्रोवाइड करेंगे। सो मेक श्योर आप कूपन को संभाल के रखिए, अगर खो गया तो ₹100 फाइन होगा। और हमने घृणेश्वर टेम्पल से ऑटो लिए टिल एलोरा केव, जिसका पर पर्सन कॉस्ट है ₹10, ₹10 से एक्स्ट्रा पे मत करना। सो लेट्स एक्सप्लोर नाउ। इससे पहले हम एलोरा केव एक्सप्लोर करना स्टार्ट करें, मैं आपको फन फैक्ट नंबर 3 बताती हूँ। वेल, एलोरा केव में टोटल 100 केव्स हैं, बट एट प्रेजेंट पब्लिक के लिए 34 केव ओपन किया गया है। यहाँ पर आपको 3 रिलीजन देखने मिलेंगे, फर्स्ट इज बौद्ध, सेकेंड इज हिंदू एंड थर्ड इज जैन। सो 1 to 12 आपको बौद्ध देखने मिलेगा एंड 13 to 29 हिंदुज़म एंड 30 to 34 आपको जैन धर्म देखने मिलेगा। सबसे पहले हम बौद्ध केव एक्सप्लोर करेंगे। आउट ऑफ 12, 11 यहाँ पर विहारज है, वेयर मेडिटेशन टेक्स प्लेस। और यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 5, 10, 11, 12, जो आर्किटेक्चुअली मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट केव है। आप जो मेरे पीछे देख रहे हो ये है केव नंबर 1 और उसके बाजू में है केव नंबर 2। केव नंबर 2 काफ़ी बड़ा है इन कंपैरिजन टू केव नंबर 1, बिकॉज ये चैत्य है। ये हॉल 16 लार्ज स्क्वायर पिलर से सपोर्टेड है, जो इसे काफ़ी अट्रैक्टिव बनाता है। जब भी आप गौतम बुद्ध जी को देखे हुए ऐसा लगेगा वो बहुत ही काम है, जैसे कि आप अभी भी देख सकते हो कितने कामली वो मेडिटेट कर रहे हैं। केव नंबर 3 और 4 केव 2 की तरह दिखते हैं, बट एट प्रेजेंट दे आर इन पुअर कंडीशन। बुद्धिज्म केव में सबसे फेमस केव है केव नंबर 10, जिसे विश्वकर्मा केव भी कहते हैं, जो कि यहाँ का प्रेयर हॉल है। स्तूपा जो आप सामने देख रहे हो केव नंबर 10 में, इसकी हाइट 27 फीट है एंड 16 फीट इन डायमीटर। प्रेजेंट हम केव नंबर 10 सेकेंड फ्लोर पे खड़े हैं, बट नीचे जब हम थे तो यहाँ के गाइड बेसिकली गाइड कर रहे थे, वो मेडिटेट कर रहे थे। और जब वो मेडिटेशन कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि आप पिलर का सपोर्ट लेके अपने आप को पीछे खड़ा कर दो, और वो मेडिटेशन करने लगे और जब वो ओम बोले ना तो वो पिलर कुछ एक नॉइज देने लगी एंड इट वॉज़ वेरी डिफरेंट एंड वेरी लाइक यू नो स्पेशल। तो आप भी आना,
किसी फ्रेंड को बोलना, ओम बोलने, और आप वो पिलर का एक्सपीरियंस जरूर करना। केव नंबर 10 विश्वकर्मा केव्स को सुतार का झोपड़ा भी कहते हैं। इसका मतलब होता है कारपेंटर हट। सो यहाँ के लोकल कारपेंटर यहाँ आके लॉर्ड बुद्धा को एज अ विश्वकर्मा पूजा करते हैं। अगर आपके पास टाइम कम है तो मेक श्योर टू विजिट केव नंबर 1, क्योंकि केव नंबर 1 और कानेरी केव का केव नंबर 11 ऑलमोस्ट सेम है, और केव नंबर 5, केव नंबर 10 और केव नंबर 11 ये विजिट करना, बहुत ही ब्यूटीफुल केव है। बाकी सब केव ऑलमोस्ट सेम डिज़ाइन के हैं, बट दिस आर वेरी ब्यूटीफुल। शक्ति कल्ट को डेडिकेटेड है। एट प्रेजेंट हम केव नंबर 15 में है, जिसे 10 अवतारा केव बोला जाता है। 10 अवतारा मीन्स यहाँ पर विष्णु भगवान के 10 रूप है। केव नंबर 15 हमने पूरा एक्सप्लोर कर लिया एंड इट इज़ रियली ब्यूटीफुल। यहाँ पर आपको विष्णु भगवान का और शिव जी का मोनोलिटिक्स देखने मिलेगा। हालांकि बहुत सारे मोनोलिटिक्स डिस्ट्रॉयड हो गए हैं, बट इट इज़ एट अनदर लेवल। जस्ट फोकस ऑन इट्स माइन्यूट डिटेल, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा देख। प्रेजेंट आ गए हैं हम केव नंबर 16 पे, द मोस्ट अवेटेड। अगर आप यहाँ पर आ रहे हो केव देखने, तो मेक श्योर आप केव नंबर 16 विजिट करो, बिकॉज ये केव शो टॉपर है। Now it's time for the most amazing fact. आपके पास अगर 20 रुपए की न्यू नोट है ना, तो आप पीछे देखना एलोरा केव लिखा हुआ है। वेल, वो टेम्पल यही है, कैलाशा टेम्पल, और ये केव पे यही फोटोज है। आप 20 रुपए के नोट पे ये एलोरा केव्स की फोटो पाओगे, दैट इज कैलाशा टेम्पल की। अब जो मेरे पीछे देख रहे हो, ये एलिफेंट का स्टैचू है, और इसके जस्ट बाजू में एक पिलर स्तंभ है। हमने केव नंबर 16 विजिट कर लिया है, बहुत ही ग्रैंड था, बहुत ही अच्छा था। मेरे पास कुछ वर्ड्स नहीं है, इट्स ब्यूटी इज बियॉन्ड द वर्ड्स। एंड अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट केव की तरफ। वेल, कैलाश टेम्पल आना बनता है आपको, केव नंबर 16 आपके टॉप लिस्ट में होना चाहिए। और अब हम ये वे से जाएंगे, और एट प्रेजेंट मानसून होने की वजह से इतना ग्रीनरी है कि बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में भी। तब आगे जाते हैं। एट प्रेजेंट हम केव नंबर 22 पे हैं, और इसे नीलकंठा केव भी बोला जाता है। यहाँ पर सिर्फ आपको मेजरली मोनोलिटिक्स खाली नंदी जी का देखने मिलेगा। आप जो मेरे पीछे देख रहे हो, ये सीता की नहानी है। एट प्रेजेंट तो वाटरफॉल गिर नहीं रहा है।
हम कैलाश टेम्पल आ गए हैं और हमने यहाँ से बस लिया है। हमें केव नंबर 30 विजिट करना है, तो बस सर्विस कैलाश टेम्पल से मिलती है और जिसका कॉस्ट है ₹20 विथ रिटर्न टिकट। सो एट प्रेजेंट आ गए हम केव नंबर 30 पे और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है जैन केव्स और ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल है। वेल, अब अंदर जाएंगे और सारा केव एक्सप्लोर करेंगे। हमने जैन केव कवर कर लिया है। आपको जैन केव जाने के लिए बस लेना होगा जिसका कॉस्ट है ₹20 और ये आपको रिटर्न टिकट प्रोवाइड करेंगे, तो आपको सेम बस में आना होगा और आपको टाइम अलॉटमेंट दिया जाएगा 30 मिनट का, तो आप 30 मिनट में केव इजीली एक्सप्लोर कर लोगे और बहुत ही अच्छा था एक्सपीरियंस। और आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये है कैलाश टेम्पल जो केव नंबर 16 है और जो बहुत ही फेमस है। जैसे ही आप एंटर करोगे आपको कैलाश टेम्पल ही देखने मिलेगा। वेल, हमारा सारा केव एक्सप्लोर करके हो गया है और यहाँ से हम एलोरा केव की जर्नी एंड करने वाले। भूख तो बहुत लगी, अब भूख खाना खाएंगे क्योंकि कुछ नहीं खाया है। यहाँ की जर्नी बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही अच्छे से कार्विंग किया गया था एंड दी आर्किटेक्चर वॉज लाइक एट एन एक्सीलेंट लेवल। आई डोंट हैव एनी वर्ड टू डिस्क्राइब दी केव्स। तो अभी हम जा रहे हैं, लंच करेंगे और लंच करके देखते हैं क्या करना है आगे का। अभी हम कैब से जाएंगे क्योंकि बस का हमने बहुत इंतजार किया और सीट नहीं मिल रही है। कैब वाले अंकल हमसे 60 रुपीज ले रहे हैं पर पर्सन, वेर इज हम जब बस से आए थे तो 50 रुपीज टिकट था। तो अगर 10 रुपए का मुंह ना देख के अगर हम कंफर्टेबली जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो अभी हम कैब की जर्नी एंजॉय कर। सो हम आ गए हमारे 4th लोकेशन पे, दैट इज पंचक्की। जैसे ही आप एलोरा केव के बाहर निकलोगे वहाँ पर बस मिलेगा। आप बस भी ले सकते हो, आप कैब भी ले सकते हो। वेल, बस का फेयर 50 रुपीज़ है और कैब का फेयर 60 रुपीज़ है। तो मैंने सोचा कि वेट करने से अच्छा है कि कैब ले लिया जाए, और बस में सीट बिल्कुल नहीं मिल रही थी। तो हमें बस वाले अंकल ने सेंट्रल बस स्टैंड ड्रॉप किया और जैसे ही हम सेंट्रल बस स्टैंड की तरफ पहुँचे वहाँ से हमने ऑटो लिया टिल पंचक्की। और पंचक्की का पर पर्सन का कॉस्ट है ₹20। तो हम पहुँच गए हैं पंचक्की। पंचक्की वैसे वाटर मिल को कहते हैं एंड इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये मेडिवल इंडिया के साइंटिफिक थॉट प्रोसेस को दिखाता है कि हम पहले पानी से एनर्जी कैसे बनाते थे। पंचक्की एक्सप्लोर कर लिया है। आप पंचक्की में इजीली 10 से 15 मिनट स्पेंड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं स्पेंड कर पाओगे बिकॉज वो है ही इतना छोटा। अभी हम जा रहे हैं डिनर करने। वैसे देखा जाए अगर आप एक दिन की प्लानिंग कर रहे हो तो आप एक दिन में 4 प्लेस कवर कर लोगे। आपकी शुरुआत मॉर्निंग बीबी के मकबरे से होगी, देन 12 ज्योतिर्लिंग, देन वर्ल्ड फेमस एलोरा केव और पंचक्की। तो आपका एक दिन का ट्रिप भी वर्थ इट होगा और फिर आप नंदीग्राम एक्सप्रेस लेके जा सकते हो। बट जैसे कि मैंने बताया आज मेरा स्टे है तो आज हम जॉस्टर में रुकने वाले हैं जिसका पर डे का कॉस्ट होगा ₹500 और ये बहुत ही ब्यूटीफुल हॉस्टल है और वेरी वेल मेंटेन्ड है। तो चलो जाते हैं जॉस्टर की तरफ।
जॉस्टल हॉस्टल है और इसका फेयर रुपीज़ 500 है। वेल, यहाँ के लोग काफ़ी एंगेजिंग है, आप सबके साथ बात कर सकते हो, एट द सेम टाइम यहाँ पर कैरम बोर्ड खेल सकते हो, बुक पढ़ सकते हो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ का वॉशरूम भी बहुत ही क्लीन है। वेल, यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, तो मेक श्योर आप भी जॉस्टल का एक बार एक्सपीरियंस लो। आई होप आपको जॉस्टल अच्छा लगा हो। वेल, यहाँ से मैं अपना डे वन का एंड कर रही हूँ वीडियो, और हम कल जाएंगे अजंता के, और कल होगा हमारा डे टू।